एनिमल्स के अंदर डाइजेशन को हम पढ़े थे, आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बारे में हम जानते हैं कि ये एक फ्लैट वॉर्म है, फ्लैट वॉर्म जो कि फ्री लिविंग होता है। इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है, ये फ्रेश वाटर के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, ठीक है, यानी कि पानी के अंदर ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट से इसका ताल्लुक है और इसके अंदर जो टाइप ऑफ डाइजेशन है वो है सैक लाइक डाइजेशन। और सैक लाइक डाइजेशन हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जो कि हाइड्रा के अंदर भी प्रेजेंट थी, और हमने कहा था कि वो डाइजेशन होती है जिसमें इंजेशन और इजेशन दोनों के लिए सेम ऑर्गन यूज़ होता है, यानी कि इंजेशन एंड इजेशन उन दोनों के लिए। जब हमने हाइड्रा को पढ़ा था तो हमने कहा था कि इन दोनों के लिए माउथ यूज़ होता है, इसी तरह से प्लेनेरिया के अंदर भी माउथ वो ऑर्गन है जो कि इंजेशन डाइजेशन दोनों के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक सिंगल गट ओपनिंग है जिसकी मदद से फूड जो है वो बॉडी के अंदर भी जाती है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर भी जाती है। अब अगर हम प्लेनेरिया के स्ट्रक्चर को देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि इसके वेंट्रल सर्फेस पे बॉडी के तकरीबन दरमियान में माउथ प्रेजेंट होता है, कुछ इस किस्म का उसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ से कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जब हम बात करें हैं माउथ की, तो माउथ आप समझ लें कि एक ओपनिंग है जो कि बॉडी के तकरीबन दरमियान में प्रेजेंट है, और माउथ के साथ ही एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। तो आप ये समझ लें कि जिस तरह से अगर हम इसकी बॉडी को इस तरह से ड्रॉ करें तो ये वाला जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, वो होगा माउथ। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मस्कुलर से जो आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्या है, ये है फेरिंग्स। और इस माउथ के आगे से बाकी पूरी बॉडी के अंदर एक्सटेंड होने वाली इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट है, और इंटेस्टाइन जो है वो तीन ब्रांचेस पे मुश्तमिल है, ठीक है, यानी थ्री ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। वो थ्री ब्रांचेस किस तरह से डिवाइड होती हैं, वो कुछ इस तरह से होती हैं कि जहाँ पे हम माउथ देख रहे हैं इसके साथ ही जो इससे आगे का रीजन है यानी कि जो इसका इंटीरियर रीजन है वहाँ पर जो एक्सटेंड की जा रही है वो एक इंटेस्टाइन की ब्रांच है, और इस माउथ से पीछे की साइड पे यानी कि जो पोस्टेरियर रीजन है इसका, इस साइड पे दो ब्रांचेस जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल नहीं, इसको हम बेसिकली इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, और माउथ से पीछे की साइड पे हमने कहा कि दो ब्रांचेस जाएंगी, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया इंटेस्टाइन को। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो थ्री ब्रांचेस हैं इनके अंदर भी मज़ीद सब ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। सब ब्रांचेस का मतलब है कि यहाँ पे छोटी छोटी आप देख रहे हैं कि इन्विजिलेशन टाइप छोटी छोटी सब ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, और इनकी एक साइड जो है वो बंद है या क्लोज्ड है, और ये जो क्लोज्ड साइड है ये कहलाती है केसी। इसके अलावा इसके बॉडी पे यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कहलाता है आई स्पॉट, ठीक है। तो ये हमने देख लिया प्लेनेरिया की बॉडी को या बॉडी स्ट्रक्चर को। इसके बाद अगर हम जब डाइजेशन को देखते हैं कि डाइजेशन इसमें किस तरह से हो रही है, तो प्लेनेरिया क्या करता है कि प्लेनेरिया जो है वो अपने माउथ की मदद से अपना जो प्रे है या इसका जो शिकार है वो उसको हड़प कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी शिकार होगा वो फेरिंग से होता हुआ या माउथ के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगा, और माउथ के अंदर एंटर होने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी वो रीजन है जहाँ पे डाइजेशन होती है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसकी बॉडी को देखें तो ये तकरीबन
ये पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ पे भी आपको इंटेस्टाइन नज़र आ रही है और माउथ और फेरिंग्स नज़र आ रही है, क्या है? ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है। अच्छा, अब फूड इनगल्फ तो हो गई या इंजेस्ट तो हो गई, इंजेशन का प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होता है? सेकेंड प्रोसेस होता है हमारे पास डाइजेशन का, यानी कि फूड ने टूटना होता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? डाइजेशन बेसिकली ये जो पूरे के पूरे हमने इंटेस्टाइन को ड्रॉ किया है, इसके अंदर डाइजेशन होती है। ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं और ये एंजाइम जो है वो इस इंटेस्टाइन के अंदर फूड को टूटने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे जो डाइजेशन हो रही है हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर, ये कौन सी टाइप है डाइजेशन की? ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, ठीक है। अच्छा, जब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है और फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुके होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जो फूड पार्टिकल्स टूटे हैं, अब ये सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और सेल के अंदर जाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस, जिस तरह से हमने जब अमीबा को पढ़ा था और अमीबा के अंदर हमने देखा था कि उसका इंजेशन प्रोसेस इस तरह का है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उसके खुराक है वो उसकी बॉडी के करीब आते हैं, तो जो पूरे का पूरा सेल है अमीबा की जो बॉडी है वो उसको इंजेस्ट कर लेते हैं, उसको अपनी बॉडी के अंदर ले आते हैं, और जो प्रोसेस था वो उसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे भी इसी तरह होता है कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी स्मॉल नहीं इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो चुकी होती है, कन्वर्ट हो चुकी होती है, ब्रेक हो चुकी होती है, तो यहाँ पे मौजूद जो सेल्स हैं वो सेल्स इन फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेते हैं, यानी अपने अंदर ले जाते हैं। और जब वो फूड पार्टिकल्स जो हैं या फूड जो है वो उन सेल्स के अंदर चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है? उसके बाद स्टार्ट होती है हमारे पास इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और हमने कहा था कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन वो डाइजेशन है जो कि सेल के अंदर होती है, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि फिर ये होगा कि जितना भी ब्रेकडाउन का प्रोसेस है वो कहाँ होगा? वो सेल के अंदर होगा, और इसके नतीजे में जितने भी बनने वाले प्रोडक्ट्स होंगे वो पूरे बॉडी में चले जाएंगे। यहाँ पे अगर हम इसकी बॉडी को डिटेल में देखें, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इंटेस्टाइन जो है वो ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है, इसका क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है, यानी कि फूड के डाइजेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनी है वो बाकी पूरी बॉडी के सेल्स ने डिफ्यूज़ होना है, ठीक है। तो ये इंटेस्टाइन क्या करते हैं कि ये उन फूड पार्टिकल्स को पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुँचाते हैं और डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। तो ये हमने देख लिया डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को। इसके बाद जो लास्ट फेज होता है हमारे पास डाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन का, वो क्या है? वो होता है इजेशन का, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है जो कि डाइजेशन के दौरान प्रोड्यूस हुआ है, उन्हों उसने बॉडी से बाहर जाना है। और हम जानते हैं कि प्लेनेरिया के अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में ये होगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा, और ये हमारे पास है लास्ट फेज ऑफ डाइजेशन या न्यूट्रिशन, जिसे हम कहते हैं इजेशन। आज के लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा डाइजेशन इन प्लेनेरिया को, प्लेनेरिया की बॉडी और इसके स्ट्रक्चर को हमने पहले देख लिया। उसके बाद हमने बात की डिफरेंट स्टेप्स की, जिसके अंदर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन आ जाते हैं, ठीक है। आप अगर इस डायग्राम के अंदर देखें तो यहाँ पे आपको प्लेनेरिया की एक पिक्चर दिखाई गई है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये माउथ रीजन है, और माउथ रीजन के साथ, माउथ के साथ क्या है, यहाँ पे आपको मस्कुलर फेरिंग्स नज़र आ रहा है, और आप इसके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को देख सकते हैं, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के साथ ही आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इंटेस्टाइन की जो ब्रांचेज हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ये इंटेस्टाइन की एक ब्रांच, ठीक है। और जब हम आते हैं इसके लेटरल साइड पे, तो लेटरल साइड पे हमने देखी कि इंटेस्टाइन की दो ब्रांचेस प्रेजेंट है। साथ ही अगर आप इसकी बॉडी पे गौर करें, हमने कहा था कि यहाँ पे आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, आई स्पॉट्स के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑरिकल्स प्रेजेंट है। ऑरिकल्स क्या है? ये आप समझ लें कि प्लेनेरिया का ब्रेन रीजन है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें, आपको येलो कलर से एक मेश या एक नेटवर्क नज़र आ रहा है पूरी बॉडी के अंदर। ये क्या है? ये डिफरेंट नर्व्स हैं जो कि इसके बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं,
और इन नर्व्स का क्या काम है, ये कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। अब न्यूट्रिशन या डाइजेशन का प्रोसेस जो हमने पढ़ा है वो किस तरह से है, वो इस तरह से है कि फूड जो है वो बॉडी के अंदर जाती है, यहाँ से होते हुए वो इन इंटेस्टाइन तक चली जाती है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है, उसके बाद सेल्स के अंदर फूड चली जाती है, सेल्स के अंदर फिर से डाइजेशन होती है यानी कि ब्रेकडाउन होती है, और फूड जो है वो फिर सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसी रास्ते से होती हुई बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया डाइजेशन इन प्लेनेरिया।